We are not afraid to die if we can all be together. I repeat once again. We are not afraid to die if we can all be together. By Gordon Cook and Alan East. A story for class 11, English. Lesson number two.

And what is the title? We are not afraid to die if we can all be together. यहां देखिए कुछ चीजें सीखने की हैं शीर्षक से ही हम सीखते हैं चलिए शुरुआत इसी से होए। वी आर इसको देखिए कैसे लिखा हुआ है वी उसके बाद एपोस्टॉफी और आर ई ये अप्रॉफी क्या है ये जो कॉमा डला हुआ है कॉमा लगा हुआ है वह कहलाता है अपॉस्ट्रॉफी कॉमा ऊपर की तरफ लगा हुआ ध्यान देंगे कहाँ पर है नीचे नहीं है ऊपर है और ए जो अक्षर है ए आर ई आर का जो पहला अक्षर है उसको गायब कर दिया और उसके बदले लेखक ने अपोसट्रॉफी लगा दिया तो एपोस्ट्रॉफी किसी एक अक्षर को गायब करने के लिए लगाते हैं और इस प्रकार उस अक्षर के बदले हम एपोस्ट्रॉफी का उपयोग कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाता है तो उससे गति भी बढ़ती है इसलिए ये अपोसट्रॉफी का उपयोग लाजिमी है हां और इसे अपोस कहते हैं ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई और बोलते समय हम क्या बोलेंगे वी आर पूरा बोलेंगे नॉट अफ्रेड टू डाई अफ्रेड मने भय अफ्रेड मने डरना डर वी आर नॉट अफ्रेड टू die. फिर उसके बाद देखिए डॉट 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 लगा हुआ है और फिर आगे लिखा है इफ वी कैन ऑल बी together. ये डॉट 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 का क्या अर्थ है डॉट 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 है यानी बिंदुओं के इस तरफ और बिंदुओं के उस तरफ जो वाक्य लिखे हैं उसके बीच में कुछ और है कुछ और लिखा हुआ है उसको हम आगे कहानी में पढ़ेंगे वो क्या लिखा हुआ है उसको हम आगे जब कहानी पढ़ेंगे तब जानेंगे क्या लिखा है पर डॉट कार्थ है कुछ और लिखा हुआ है जिसे हम यहाँ प्रदर्शित नहीं करना चाहते अन्यथा शीर्षक बहुत लंबा हो जाएगा वैसे ही शीर्षक थोड़ा सा बड़ा ही है लेकिन क्योंकि शीर्षक का बहुत महत्व है इस शीर्षक का इसकी लंबाई बाधा ना करे इसलिए बीच के वाक्यों को या बीच के वाक्य को हटाकर लेखक ने वहाँ डॉट 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 लगा दिया और इशारा कर दिया है कि इस पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन के बीच में जो छूटा है ये आप कहानी में कहीं पूरा पढ़ लेंगे ठीक ये हो गई दूसरी बात तीसरी चीज़ अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है वी के पहले इन्वर्टेड कॉमा और वी के आखिरी में इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कब और क्यों लगाते हैं इन्वर्टेड कॉमा सामान्यतः तब लगाते हैं जब किसी व्यक्ति के द्वारा बोले गए वाक्य को यथावत हमें उदृत करना हो एज इट इज उसे हमें कोट करना हो इफ वी हैव टू कोट somebody's सेंटेंस एज इट इज then we put inverted comma at the beginning and at the end inverted comma हमेशा दोनों तरफ लगता है प्रारंभ में शुरुआत के लिए और क्लोजर के लिए आखिरी में इसका अर्थ ये हुआ कि उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा हुआ है या जो लिखा हुआ है वह वैसा ही किसी ने कहा है किसी ने बोला है या किसी ने लिखा है यथावत उसके वक्तव्य को उतार दिया गया है कोट है ये क्या है कोट कई बार एपोस्ट्रॉफी का उपयोग किसी अन्य पर्पज किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए होता है किसी चीज़ की खासियत को किसी शब्द को पर हमारा ध्यान खींचने के लिए भी हम शब्द के दोनों ओर एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो इस तरह हमने इस कहानी के शीर्षक में हमने तीन दो तीन बातें सीखी एक तो अपोस्ट्रॉफी दूसरा डॉट 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 का उद्देश्य तीसरा हमने सीखा इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के दो उपयोग हैं एक तो कोट किसी के बात को वैसा ही उद्घत करना जैसा उसने कहा है यथावत और दूसरा किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए किसी खास बात पर ध्यान खींचने के लिए पाठक का इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया जाता है इसका अनुवाद है हम मरने से डर नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं यानी दो बिंदुओं पर यहाँ पर प्रकाश डाला है पहली बात तो कोई कहता है कि हम मरने से नहीं डरते हम मरने से नहीं डरते वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई और दूसरा उसी के साथ वो कहता है यदि हम सब एक साथ हैं तो यदि हम सब एक साथ हैं तो क्या होता है ये कहानी में बताया गया और इसीलिए लेखक का कहना है इस कहानी के रचयिता का कहना है हम मरने से नहीं डरते तो यानी एकता की मजबूती को बताया गया है कहानी के शीर्षक से आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि एकता के बारे में एकता की मजबूती के बारे में यूनिटी इज स्ट्रेंथ इस पर कुछ ये कहानी है और इसके लेखक कौन हैं? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा इनके लेखकों के बारे में जान लें। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट कौन है इनके दोनों के बीच में क्या संबंध है दो लोगों ने कहानी मिलकर लिखी है देर आर टू पीपल हु है दिस स्टोरी एंड देर नेम्स आर गॉर्डन कोक एंड एल एन ईस्ट लेट एस नो समथिंग अबाउट बोथ ऑफ देम गडन कोक इज ए कैनेडियन वह कनाडा का निवासी है कनाडा कहाँ है उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर यानी उत्तरी अमेरिका के ऊपर के हिस्से में उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके ऊपरी हिस्से में कनाडा है वहाँ का यह व्यक्ति है और इसकी खास बात यह है कि दो बार इसने ओलंपिक में भाग लिया याच याच मतलब क्या होता है एक तरह की नौका नौका की प्रतियोगिता में इसने दो बार भाग लिया 2008 में और उसके बाद 2012 में ओलंपिक्स चार वर्षों के बाद होता है दो बार भाग लेना एक स्वयं में बहुत बड़ी बात थी भारत की पीवी संधू ने दो मेडल जीते हैं ओलंपिक में वो भी बहुत बड़ी बात है उसी प्रकार गॉर्डन कुक का दो बार ओलंपिक में भाग लेना एक ही इवेंट में और वो भी या, याचिंग जैसे इवेंट में बहुत बड़ी बात थी और ये गॉर्डन कुक जो हैं ये मूल रूप से नेविगेटर हैं यानी नौकायन का शौक रखते हैं नौका विहार करते हैं और आदि आदि इसके साथ ही लेखक भी हैं कहानियां भी लिखते हैं और अपने अनुभवों को शेयर करते हैं यात्राओं को भी लिखते हैं और दूसरे जो सज्जन हैं वो हैं एल ईस्ट ये हैं इंग्लैंड के इंग्लैंड में ये लॉयर हैं या लॉ से जुड़े हुए हैं इनका जो प्रोफेशन है इनका जो करियर है वो लॉ से है और लॉ में रहते हुए लॉ के फील्ड में इन्होंने अच्छी ऊंचाइयां पाई हैं लीगल प्रोफेशन में इन लीगल प्रोफेशन ही हैज़ अटेंड ग्रेट हाइट्स इन इंग्लैंड एंड हैज़ बीन मेंबर ऑफ द रॉयल लीगल कमिटी और टीम इन इंग्लैंड सो वन मैन इज ए लॉयर एलन ईस्ट इज ए लॉयर एंड गॉड कुक इज अ कनेडियन एंड ही इज बेसिकली ए सेलर ए राइटर ए नेविगेटर so forth, and an Olympian बाय हिमसेल्फ वैसे तो उन्होंने इंजीनियरिंग किया है गॉर्डन कुक ने लेकिन इनके शौक कुछ दूसरे रहे और ओलंपिक में दो बार भाग लेने का इनको सौभाग्य मिला है यानी बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे तो एक बहुत अच्छे खिलाड़ी और दूसरे बहुत अच्छे आ, ल, आ, वकील या कहना चाहिए लॉ से जुड़े हुए व्यक्ति याद रखने का तरीका है कि जो एलन ईस्ट लिखा है नक्शे में यदि देखें तो कनाडा और इंग्लैंड में ईस्ट में कौन सा देश आता है कनाडा और इंग्लैंड की यदि तुलना करें तो ईस्ट में देखिए कौन सा देश आता है ईस्ट में आता है इंग्लैंड कनाडा के ईस्ट में इंग्लैंड है तो एलन ईस्ट कहाँ के हो गए इंग्लैंड के और यदि एक व्यक्ति इंग्लैंड के हैं तो दूसरे व्यक्ति कनाडा के हैं ऐसा करके आप याद कर सकते हैं ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो तो ये बात हुई आपके शीर्षक की ये बात हुई आपके लिए कुछ लेखक की लेखकों के बारे में जानने के बाद और ये जानने के बाद कि इसके ये लेखक दो लोगों ने ये कहानी दो लोगों ने मिलकर लिखी है हम इनके कुछ पात्रों को जानें और उन पात्रों में सबसे पहले हम जानें कि इस कहानी में जो एक मुख्य पात्र है वह स्वयं नैरेटर है क्या है एक पात्र इस कहानी का स्वयं नैरेटर है और वह व्यक्ति अन्य पांच व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है इस कहानी में यानी नैरेटर या जो स्वयं इस घटना से जुड़ा हुआ है इस कहानी की घटना से वह अन्य पांच लोगों के साथ उसका संबंध है इस कहानी में पहला अपनी उसकी पत्नी दूसरा उसका बेटा तीसरा उसकी बेटी ये तो हो गया उसका परिवार जो इस कहानी का मुख्य पात्र है उसका परिवार और दो उसके अन्य सहयोगी रेटर के दो अन्य सहयोगी तो इस प्रकार ये पांच लोग हैं बट द नैरेटर दैट आई टेल यू इन द स्टोरी बाय रीडिंग द स्टोरी ऑफ जेम्स कुक क्या नाम है जेम्स कुक जिसका चित्र आप देख रहे हो नैरेटर का कहना है कि जो इस कहानी में जो विवरण है मेरी एक यात्रा का विवरण है और उस यात्रा की प्रेरणा मुझे जेम्स कुक की 200 वर्ष पुरानी यात्रा से मिली थी अर्थात मैं आपको यहाँ पे अभी जेम्स कुक के बारे में बताना चाहता हूं जो इस कहानी के नैरेटर का प्रेरणा स्रोत है जेम्स कुक एक से सो 1768 से 1778 1768 टू 1779 उसने तीन बड़ी यात्राएं की 1768 1768 1768 में इस काल में विश्व में नए-नए साम्राज्य की शुरुआत हो रही थी मैं कह दूं नए नए साम्राज्यों की शुरुआत अर्थात कुछ ऐसे देश यूरोप में पनप रहे थे जो दुनिया के अन्य देशों में अपने लिए व्यापार का अपने साम्राज्य विस्तार का की के लिए खोज कर रहे थे आप समझ रहे हैं मेरा अर्थ यह है कहने का तात्पर्य है कि दिस इज ए पीरियड दिस इज़ एन एज वेन सम कंट्रीज वे आर लुकिंग फॉर एक्सपैंडिंग देयर मार्केट अपना मार्केट बढ़ाने के लिए अपने माल की बिक्री के लिए अपने लिए कच्चे माल के लिए और उसके साथ ही अपना साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ाने के लिए नए नए देशों पर कब्जा कर रहे थे और नए नए देशों की क्षेत्रों की खोज कर रहे थे ये वो काल है और ये मार्केट की खोज और नए क्षेत्रों पे कब्जे की जरूरत क्यों हुई कारण बड़ा सरल है ये वो काल है जब इंग्लैंड में और इंग्लैंड से प्रभावित उसके कुछ पड़ोसी देशियों में देशों में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने प्रारंभ हो गया था औद्योगिक क्रांति क्या है औद्योगिक क्रांति यानी स्टीम और बिजली के आविष्कार को के साथ ही अचानक बड़े बड़े उद्योगों का आना शुरू हुआ स्टीम भाफ और इलेक्ट्रिसिटी बिजली इनका आविष्कार इसी काल में होता है टॉम एंड सल्वा एडिसन और जेम्स वाट ये लोग कुछ खोजें करते हैं और से बिजली और भाफ के आविष्कार से क्या होता है फैक्ट्रियां शुरू होती हैं फैक्ट्रियों का निर्माण होता है और उन फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है उत्पादन का माल बेचने के लिए उनको नए नए क्षेत्रों की जरूरत थी और उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए भी जो उनको जरूरत थी इसके कारण ये लोग दूसरे देशों में जाते थे दूसरी जगह खोजते थे और वहां से कच्चा माल लाना और अपना बना हुए माल को बेचने की गुंजाइश देखते थे भारत में भी तो इसी काल में अंग्रेज आए भारत में अंग्रेजों का आना सोलह में हुआ लेकिन यही समय है सत्रह में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ उसके बाद सत्रह में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और सत्रह होते होते बंगाल भारत के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था बंगाल तो वैसे ही निकल गया था सत्रह प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर के बाद तो सुनिश्चित हो गया था और अंग्रेजों ने अपने अधिकारी पदस्थ कर दिए थे अब बंगाल के शासन चलाने के लिए तो भारत में सत्रह में जहां अंग्रेजों के की सत्ता की शुरुआत होती है बिल्कुल शुरुआत वहीं इंग्लैंड के राजा नए नए क्षेत्रों की खोज में लोगों को भेजते हैं और उन्हीं राजाओं में से एक था किंग जॉर्ज थ्री उसने जेम्स कुक को जो उसके रॉयल नेवी में एक कैप्टन था उसको विश्व यात्रा पर भेजा और उस विश्व यात्रा के दौरान उसने पूरी दुनिया की परिक्रमा की पानी के जहाज से कल्पना करिए सत्रह में जब टेलीफोन मोबाइल सैटेलाइट रडार और ये सब कुछ नहीं था मात्र कंपास से ही दिशा ज्ञान होता था ऐसी स्थितियों में कैप्टन कुक ने विश्व की एक नहीं बल्कि तीन तीन यात्राएं की पूरे दुनिया का चक्कर लगाया उसने और नए नए क्षेत्रों को देखा खोजा ईस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की सीमा को छूने वाला यह पहला व्यक्ति है यानी जैसे कोलंबस को हम कहते हैं कि उसने अमेरिका की खोज की हम एक तरह से कह सकते हैं कि जेम्स कुक ने विश्व को ऑस्ट्रेलिया से परिचित कराया अन्यथा तो न्यूजीलैंड की नहीं थी तो इस प्रकार इतने और ऑस्ट्रेलिया स्वयं में एक महाद्वीप के बराबर इतने बड़े क्षेत्र के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी उसकी जानकारी एक तरीके से पहली बार जेम्स कुक ने अपनी यात्रा से दी ये वही जेम्स कुक है जो सेलर के रूप में प्रसिद्ध है एक नाविक के रूप में प्रसिद्ध है एक नेविगेटर के रूप में प्रसिद्ध है समुद्र में जहाज चलाने के लिए प्रसिद्ध था कॉर्टोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध है कॉर्टोग्राफर मतलब नक्शा बनाना नक्शे बनाने के कार्य में पारंगत था इसने जितनी यात्राएं की उस यात्राओं का विवरण उसने बाकायदा नक्शों के माध्यम से भी दिया है और उसके बनाए हुए नक्शे बड़े वैज्ञानिक तरीके से बने थे सत्रह सौ नवासी के काल के बीच के ये वही ये जो कैप्टन है रॉयल नेवी का पद है कैप्टन तो साथ में ये कैप्टन भी था तो एक बहुत पारंगत व्यक्ति बहुत साहसी व्यक्ति बहुत बहादुर व्यक्ति बहुत कुशल व्यक्ति इसकी यात्रा से प्रेरणा लेकर इस कहानी का जो नैरेटर है राइटर नहीं कहानी के लेखक की बात नहीं कर रहा हूँ कहानी का एक पात्र है नैरेटर उसका नाम आदि हम विस्तार से बाद में देखेंगे वो नैरेटर कहता है कि मैं जेम्स कुक की 200 वर्ष पूर्व की गई यात्रा से प्रेरित होकर मैं ये सब कर रहा हूँ जो मैंने कहानी में बताया है क्या हुआ ये मैंने कहानी बताया तो इस प्रकार अब आप जेम्स कुक भी समझ गए हैं कौन है बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति और इस कहानी का प्रेरणा स्रोत हम कह सकते हैं जेम्स कुक जेम्स कुक की यात्रा का चित्र देखिए नक्शे में तीन अलग अलग रेखाओं के माध्यम से उसकी तीन यात्राओं का विवरण किया गया है एक तो सत्रह सड़सठ इकहत्तर दूसरा सत्रह सौ बहत्तर पचहत्तर और तीसरा सत्रह सौ छिहत्तर सत्रह सौ नवासी दुर्भाग्य से सत्रह सौ नवासी में किसी के चाकू से उसे मार डाला किसी ने उसे चाकू से मार डाला ही वॉज़ फाउंड डेड विथ ए स्टैब ऑन हिज बॉडी पर तब तक उसने तीन यात्राएं कर ली थी और देखिए उस काल में उसने जो यात्राएं की हैं समुद्री इलाकों में उसने बहुत एक्सप्लोरेशन किया है बहुत अन्वेषण किया है तीन अलग अलग रेखाएं रंगों की रेखाओं से स्पष्ट होता है कि उसकी यात्राएं कितनी लंबी थी, कितनी दूर से थी और ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ करता है इंग्लैंड से प्रारंभ करता है कहाँ से इंग्लैंड से आप देखेंगे कि यहाँ पर पिडमांड लिखा हुआ है नक्शे में इस नक्शे में उसके रूट्स को आप देखिए कितनी लंबी लंबी दूरियाँ उसने तय की हैं दूसरा नक्शा देखिए इस नक्शे में अगले नक्शे में उसने उसकी जो यात्रा का और आपको थोड़ा सा विस्तृत वो मिलेगा इस कहानी में जिस यात्रा का विवरण है कैप्टन कुक का उसका देखिए चित्रांकन कैसे है उसकी दिशा देखिए और उसने थल मार्ग से कुछ यात्रा नहीं की हाँ लम, अपनी पूरी लंबी यात्रा में वो किनारों को छूता जा रहा है उसकी यात्रा प्रारंभ होती है इंग्लैंड से और उसके बाद उसका रूट देखिए दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप है उसके किनारे किनारे होते हुए वो देखिए कैसे न्यूजीलैंड पहुंचता है ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है और इसके बाद फिर वो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहुंचता है और केप टाउन से फिर पूरा उत्तर होते हुए वो फिर वापस प्लाई माउथ या इंग्लैंड पहुंचता है तो ये जो एक परिक्रमा है ये बहुत ही लंबी बहुत ही दूभर वॉइज मने यात्रा समुद्री यात्रा को बोलते हैं वॉइज क्या बोलते हैं समुद्री यात्रा को बोलते हैं वॉइज -E, वी ओ वाई ए जी ई वॉइज वॉइज ऑफ कैप्टन जेम्स कुक इस कहानी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम विश्व के भूगोल को थोड़ा समझ जाएं। यानी नक्शे पर थोड़ी अपनी नज़र डालें कि किसके बाद क्या क्षेत्र आता है इस नक्शे में आप देखिए जैसा मैंने कैप्टन जेम्स कुक का जो रूट बताया उस रूट को आप यहाँ पर एक तरीके से चित्रांकित कर सकते हैं जहाँ यूरोप लिखा हुआ है उस यूरोप के ऊपर यूरोप के बाजू में एक छोटा सा देश है वह है इंग्लैंड क्या है इंग्लैंड और देखिए वहाँ से यात्रा शुरू होती है इस नरेटर की यात्रा और 200 साल पहले जेम्स कुक की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। अब नक्शे में आपको समझने की ज़रूरत है कि यूरोप कहाँ है इंग्लैंड कहाँ है और ये कहानी हमें इंग्लैंड से हमें ले जाती है दक्षिण अफ्रीका की तरफ कहाँ ले जाती है यूरोप जहाँ लिखा है वहाँ से वो हमें कहानी के साथ यात्रा करना होता है दक्षिण अफ्रीका की तरफ और दक्षिण अफ्रीका की तरफ जो बिल्कुल दक्षिण छोर है अफ्रीका जहां लिखा है उसका बिल्कुल दक्षिणी छोर उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और वहां पर आके कहानी समाप्त होती है तो जो एक कहानी का जो वृत्तांत है द स्टोरी दैट इज हियर इज द स्टोरी अबाउट जर्नी फ्रॉम इंग्लैंड सी जर्नी समुद्र यात्रा सी जर्नी फ्रॉम इंग्लैंड अप टू द साउथ ऑफ़ अफ्रीका टू ए प्लेस कॉल्ड केप टाउन दैट विल स्टडी अप टू द साउथ ऑफ़ अफ्रीका दिस लॉन्ग जर्नी अंडरटेकन बाय द नरेटर विथ हिज फैमिली एंड टू मोर पीपल आई टोल्ट वे फाइव पीपल इन ऑल पाँच लोगों के द्वारा ये यात्रा होती है और उसके बाद इतनी लंबी यात्रा का समापन यहाँ पर होता है दैट क्लोजिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग Closing of the story is very interesting. Look at Australia. Australia, same place which was discovered by James Cook. So, he the distance of Australia is how far it is from England. Imagine those days they traveled this far. My God. Let us see the next map. In the next map, also, you find again, once again, the same picture but written with little more clarity. सो हैज टू मेक श्योर दैट यू नो द प्लेस इज वेल कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि कहानी को समझने से पहले आप समझें कि कहानी के पात्र कौन हैं आप समझें कि कहानी का लेखक कौन है आप समझें कि कहानी किन क्षेत्रों की कहानी है सो द स्टोरी इज अबाउट अगेन सी यूरोप एंड एज आई सेड दिस इज इंग्लैंड ब्रिटेन एंड फ्रॉम इंग्लैंड द नरेटर ट्रेवल्स अलॉन्ग विद फाइव पीपल फॉर मोर पीपल डाउन वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका अफ्रीका के पश्चिम से अफ्रीका का पश्चिम का अर्थ क्या हुआ पूर्व में आप इस नक्शे में देखेंगे पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है तो यदि हम पूर्व और पश्चिम की बात करें तो इस नक्शे में पूर्व किसे कहेंगे जहां ऑस्ट्रेलिया है वो वो साइड पूर्व कहलाता और जहां पर नॉर्थ एटलांटिक ओशन लिखा है साउथ एटलांटिक ओशन लिखा है उसके बाद का एरिया पश्चिमी विश्व कहलाता है पश्चिमी भाग कहलाता उसके बाद देखिए इंडियन ओशन लिखा है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर भारत के नीचे अफ्रीका की स्थिति देखिए और यूरोप में इंग्लैंड से अफ्रीका का बॉटम अफ्रीका के नीचे लुक एट द मैप ऑफ इंग्लैंड यूरोप विथ इंग्लैंड देयर एंड देन कम डाउन टू अफ्रीका यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्टेंस दैट द नरेटर ट्रैवल्ड एज पर दिस स्टोरी एंड लुक एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो मैंने राइटर्स की बात की और राइटर्स जो मैंने बताया वो एक उसमें से कैनेडा का था नॉर्थ अमेरिका जो लिखा हुआ है उसका ऊपरी हिस्सा कैनेडा है और दूसरा राइटर इंग्लैंड का था तो मतलब ये कहानी के रचयिता दो अलग अलग देशों के लोग हैं और तो और ये कहानी के जो पांच पात्र हैं ये पात्र भी दो अलग अलग तीन देशों के हैं जो नैरेटर है नैरेटर स्वयं इंग्लैंड का है द नरेटर एंड थ्री मेंबर्स ऑफ हिस फैमिली द नैरेटर एंड थ्री मेंबर्स ऑफ हिस फैमिली दे आर फ्रॉम इंग्लैंड नैरेटर हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन एंड नरेटर टेक्स द हेल्प ऑफ टू पीपल ड्यूरिंग हिज जर्नी वन पर्सन इज फ्रॉम अमेरिका एंड द अदर पर्सन इज फ्राम स्विट्जरलैंड वन पर्सन इज़ फ्राम अमेरिका एंड द अदर इज़ फ्राम स्विट्जरलैंड वन इज़ एन अमेरिकन एंड द अदर इज अ स्विस अब देखिए कहानी कितनी इंटरनेशनल कहानी है इस दृष्टि से कि राइटर दो अलग, अलग अलग देशों के पात्र तीन अलग अलग, 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 अलग देशों के और स्विट्ज़रलैंड कहाँ हैं यूरोप जहाँ लिखा है उसके उत्तरी भाग में स्विट्ज़रलैंड है और अमेरिका आप देख ही रहे हैं सो so, इस प्रकार दिस स्टोरी इज अबाउट इज एन इंटरनेशनल काइंड ऑफ पिक्चर जिसमें जबकि एक घटना है जबकि की की एक कहानी है उस समय इतने लोगों को का संबंध इस कहानी से रहा है नाउ लेट्स सी द लास्ट वन द लास्ट मैप बिफोर वी मूव टू द स्टोरी इन रियल सेंस लुक एट दिस मैप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैप फर ूसी इक्वेटर भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं इक्वेटर इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा वो हॉटेस्ट प्लेस है सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है भौगोलिक दृष्टि से इक्वेटर से लगी हुई जमीन इक्वेटर से कुछ डिग्री ऊपर तक और इक्वेटर से कुछ डिग्री नीचे तक की भूमि जो है वो गर्म मानी जाती गरम, गरम है गर्म वहाँ की जलवायु आबोहवा बहुत गर्म रहती है इंग्लैंड देखिए कितनी दूर है जितनी ही दूर भूमध्य रेखा से होंगे उतना ही ठंडा क्षेत्र होगा इंग्लैंड बहुत ठंडा क्षेत्र अत्याधिक ठंडा क्षेत्र वहाँ से ये यात्री लोग इस कहानी के अनुसार यात्रा करते हुए इक्वेटर आते हैं और नीचे अफ्रीका के निचले हिस्से को छूते हैं आप पढ़ रहे हैं सदर्न ओशन नीचे लिखा हुआ है इंडियन ओशन और उसके नीचे सदर्न ओशन एक्चुअली ये सदर्न इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर का दक्षिणी भाग महासागर के दक्षिणी हिस्से के पास ये लोग पहुंचते हैं सो इन दिस पिक्चर अगेन यू गेट ए पिक्चर ऑफ़ वॉट काइंड ऑफ लैंड इट माइट माइस्ट बीन वेरी हॉट वेरी कोल्ड एंड दे स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी कोल्ड रीजन कम टू द हॉट रीजन दैन अगेन ट्रेवल डाउन टू द कोल्ड रीजन दैट इज सदान ओशन का जो हिस्सा है वो अंटार्कटिका से लगा हुआ अंटार्कटिका इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस बहुत ठंडे ठंडा क्षेत्र माना जाता है तो इस प्रकार दिस इज द जर्नी प्लेस ऑफ दिस स्टोरी तो हमने अब कहानी का एक बैकग्राउंड वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ़ दिस इज द स्टोरी वी हैव अंडरस्टूड द टाइटल ऑफ द स्टोरी राइट वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड द राइटर्स वी हैव ऑल्सो नोन द राइटर्स ऑफ द स्टोरी वी हैव ऑल्सो नोन द कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी इसमें इसके जो पात्र हैं उनको भी हमने समझ लिया है नरेटर प्लस पांच सिक्स कैरेक्टर्स आर देयर देन वी हैव ऑल्सो अंडरस्टूड दिस स्टोरी इज अबाउट प्लेसेज कॉल्ड इंग्लैंड अप टू ए प्लेस कॉल्ड केप टाउन डाउन बिलो अफ्रीका के नीचे केप टाउन है और उससे थोड़ा आगे की यात्रा एक्चुअली दे गो टू ए प्लेस कॉल्ड आइल्स एम्स्टरडम आईल एमस्टरडम वहाँ जाते हैं और वहाँ पर कहानी समाप्त होती है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे सो नाउ वी मूव टू दी स्टोरी एंड आई विल बी स्पीकिंग आउट द स्टोरी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर योर कन्वीनियंस यू हैव टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेंग लिसन टू मी केयरफुली एंड फॉलो मी स्टेप बाई स्टेप आई विल Not exactly read, but I'll read the English passage and line by line almost I'll go on translating them into Hindi and will also simultaneously tell you difficult words and meanings thereof. साथ ही साथ मैं आपको कठिन शब्द भी बताऊंगा, उसके अर्थ भी बताऊंगा और जहाँ तक संभव होगा उन कठिन शब्दों के कुछ वाक्य बनाके बताऊंगा, right?